हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज जूल्स लॉ। जूल्स लॉ इज आल्सो नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई हो रहा होता है किसी भी अप्लायंसेस के थ्रू, तो देखते हैं कि उस एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है उस अप्लायंसेस के द्वारा। एज फॉर एग्जाम्पल, बल्ब की बात करें तो बल्ब क्या है, तो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, तो बल्ब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा किसमें, लाइट एनर्जी में। एंड लेकिन बट जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है किसमें, ये हीट एनर्जी में, मींस हीटिंग इफेक्ट भी काउज होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करेंट जो है वो टेलीविजन में सप्लाई होगा, तो टेलीविजन में सप्लाई होगा तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट एनर्जी, यू नो, साउंड एनर्जी। लेकिन लंबे समय तक टेलीविजन हो गया, फैन हो गया, ये रन कर रहा होता है, तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि फैन हो गया, तो फैन क्या है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे हीटिंग इफेक्ट भी काउज होता है, यानी दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। ओके, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस है जहां पे हम लोग इस बात को नोटिस करते हैं कि ऑल एनर्जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। एज फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक हीटर, वी कैन से एज फॉर एग्जाम्पल ब्रेड रोस्टर, एज फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये ऐसे अप्लायंसेस हैं जिसमें कि देखा ये जाता है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है किसमें, हीटिंग हीट एनर्जी में। एंड इसी चीज को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो आज हम लोग इस टॉपिक के थ्रू इसके बारे में जानेंगे और फिर इससे जो फॉर्मूला ड्राइव होके आएगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग में उसको भी हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यदि कोई सेल और बैटरी है, सेल कहते हैं ये सिंगल जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन जब इसमें ग्रुप ऑफ सेल हो जाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल को क्या कह देते हैं, बैटरी कहते हैं। तो क्या होता है ना कि दिस इज कॉल्ड बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, this is battery, symbol of battery you can say, and ये हो गया cell का symbol, cell, ये cell का symbol हो गया, तो ये हो गया cell का symbol। अब देखिए होता क्या है, तो कोई भी battery या cell, ठीक है, ये steady current का source होता है, या फिर कह सकते हैं कि electrical energy का source होगा, ठीक है, battery and cell जो होता है वो electrical energy का source होगा, और ये क्या करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से चार्ज जो होगा वो मूव करेगा। तो यही चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि भाई क्या होगा, तो यदि कोई मान लीजिए कि कोई डिवाइस है, ठीक है, कोई डिवाइस है, जैसे हमने ये कर लिया कि ये जो है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है ये कनेक्टेड है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये कनेक्टेड हो गया, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, तो वी मेंटेन किया हुआ है, तो इस वी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की वजह से, ओके, जो क्यू चार्ज का फ्लो होता है, ओके, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी द चार्ज क्यू, the charge, okay, q flows in a circuit, okay, at time small t, ठीक है। जैसे क्या होगा कि इस सेल और जो ग्रुप ऑफ सेल है, इट मींस बैटरी, वो क्या कर रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, तो मेंटेन करेगा, और यहां स्विच ऑन पोजीशन पे है, तो क्या होगा, क्यू चार्ज का फ्लो दिखेगा, क्यू चार्ज का
फ्लो दिखता है, और ये कब तक दिखेगा, तो ये हम लोग कंसिडर कर लिए हैं कि स्मॉल टाइम टी तक दिख रहा है। तो इस क्यू चार्ज को मूव करने में, मूव हो रहा है ये क्यू चार्ज टी टाइम तक, तो बताइए कि इसमें कितना वर्क डन हो गया, तो वर्क डन हो गया W equals to V into Q, V into Q, because हम लोग जानते हैं, as we know from electric potential or potential difference, V equals to W by Q, ये हम लोग जानते होते हैं। तो कितना वर्क करना हो रहा है, Q charge को due to V potential difference at time T तक इसको move करने में, ये इतना वर्क करना पड़ रहा है। यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग बात करें दैट दिस बैटरी जो है वो कितना पावर सप्लाई कर रहा है सर्किट में, ठीक है, तो ये कितना पावर सप्लाई कर रहा है, तो पावर सप्लाई यानी पावर को हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क से डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क से, इट मींस क्या हो गया, पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क W / T, इट मींस वी कैन से V Q / T, एंड यहां पे हम लोग इसको सेपरेट कर लें तो क्या हो जाएगा, Q by T equals to I, so हमारे पास एक नया फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया, P equals to VI, यानी पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सर्किट इज इक्वल्स टू P equals to V into I, where V क्या हो गया, तो V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड बाय दैट इलेक्ट्रिकल सोर्स, एंड I क्या हो गया, फ्लो ऑफ करंट इन दैट सर्किट। ओके, ये बात हो गई, लेकिन यदि हम लोगों को ये देखना है कि उस सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, टी टाइम तक कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इस चीज को निकालने से पहले हम लोग पावर का और भी फॉर्मूला जान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो V की जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V की जगह लिख सकते हैं I into R और into I, तो एक और फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया, ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया P equals to I square R, एक और फॉर्मूला इससे हम लोग ड्राइव कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे I को, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे P equals to क्या होता है, V into I होता है ना, तो यहाँ पे I को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो V into क्या हो जाएगा, I की जगह लिख सकते हैं, जैसे यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस V इक्वल्स टू I R, इसी तरह से यहां पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला जो बन गया P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R जो है, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट हम लोगों को जानना है कि भाई टाइम टी, टी समय में इस सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो टी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस चीज को जरा हम लोग जान लेते हैं। देखिए ध्यान से, पावर का जो डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन हम लोग को पता है कि वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो हम लोग फिर से पावर हमने जाना P equals to V into I है, यानी rate of doing work, it means W by T is equals to V into I, और यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, हम लोगों को चेंज इस तरह से करना है, क्योंकि V जो है ना वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, वो हमेशा आपका कांस्टेंट हो रहा है, और वर्क क्या है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क जब करते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वहां पे वर्क की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, एच पुट कर लेंगे एच टी, और वी की जगह फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, आई आर इनटू आई, यानी हमारा नया फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और देखिए ये जो टी है वो जब साइड चेंज होता है किसी भी वेरिएबल टर्म्स का, तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो उसका साइड चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन भी चेंज हो गया, यानी एक नया फॉर्मूला ड्राइव होके आया, I square, H equals to I square R T, H equals to I square R T, और यही जो ये जो फॉर्मूला है, this फॉर्मूला is called Joule's
ये आपका जूल्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। इट मींस अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट। ओके, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट और द डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, यानी उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है, एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ओके, तो ये जो है जूल्स का लॉ कहता है, और हमें सब कुछ पता है कि एच हीट हो गया हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का यूनिट जो है वो हम लोग जूल्स लिख सकते हैं, जूल भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आई क्या हो गया, करंट हो गया, और क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एंड टी क्या हो गया, टाइम हो गया। तो टाइम को किस चीज में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को किस चीज में मेजर करते हैं, तो रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है। ओके, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है। जैसे देखिए, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, ओम में मेजर करेंगे। जो टाइम है इसको किस में मेजर करेंगे, इसको सेकंड में मेजर किया जाता है, एंड जो करंट है इसको किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में, और इसको स्मॉल में एम्पियर भी इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गया जूल्स लॉ, यानी ये जो फॉर्मूला ड्राइव होके आया H=I²RT, ठीक है, यही जूल्स लॉ कहलाता है। यानी जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया कि किसी भी डिवाइस एंड सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने जा रहा है किसका, स्क्वायर ऑफ करंट का, यानी उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड सेकंड क्या होगा, और उस सर्किट में जो भी एप्लायंस यूज हो रहा है उस एप्लायंस का रेजिस्टेंस क्या है, यदि उस सर्किट में उस एप्लायंस के रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो हीट जो है प्रोडक्शन इन टाइम की वो भी बढ़ जाएगा, और कितनी समय तक वो एप्लायंस जो है, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टेलीविजन हो गया, फैन हो गया, वो कितनी समय तक रन कर रहा है, जितनी देर तक वो रन करेगा उतना ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया जूल्स लॉ, और हमने इसको ड्राइव करके बताया, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू।